हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर सुशील राजपूत। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट लाइफ केयर हॉस्पिटल अमरावती। काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और उनको कंप्लेंट होती है लेग पेन की, खास करके नाइट में। काफ़ी पेरेंट्स डरे हुए रहते हैं और बोलते हैं कि बच्चे रात में मिड नाइट में उठते हैं और काफ़ी दर्द और दर्द के मारे चिल्लाते हैं। तो क्या वजह है कॉजेस ऑफ लेग पेन्स इन चिल्ड्रेन? नंबर वन आता है ग्रोइंग पेन्स, जो कि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है, बच्चे की हाइट बढ़ती है तो उसमें दर्द होना चालू होता है, उसको बोलते हैं ग्रोइंग पेन्स। नंबर टू है क्योंकि आयरन की कमी और कैल्शियम की कमी होती है, जिसकी वजह से भी दर्द हो सकता है पैरों में। नंबर थ्री है हाइपर एक्टिविटी, मसल ओवर यूज की, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हाइपर एक्टिव करते हैं, क्लाइंबिंग, जंपिंग एंड ऑल द थिंग्स एक्टिविटी थ्रू आउट द डे, जिसकी वजह से रात में बच्चों को दर्द होना चालू होता है। नंबर फोर है वायरल इन्फेक्शन, कोई भी तरह का इन्फेक्शन यहाँ होता है तो जिसकी वजह से खाना पीना कम हो जाता है और उसकी वजह से भी पैरों में दर्द हो सकता है। नंबर फाइव है सीरियस एंड रेयर कॉजेस लाइक, जैसे कि जुवेनाइल अर्थ्रेलजिया या आर्थराइटिस, इसके अलावा फाइब्रोमायल्जिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, रेयरली बोन कैंसर और भी रेयर कॉजेस हैं, जो कि लेस देन 5% वजह हैं जिनकी वजह से पैरों में दर्द हो सकता है। तो हम लोग इतना डिटेल में इन बाकी वजहों से बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट, जिस जो सबसे मोस्ट कॉमन है 70-80% केसेस में, वो है ग्रोइंग पेन, उसके बारे में हम यहाँ पे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो क्या है ग्रोइंग पेन? मोस्टली ये ग्रोइंग पेन आता है एज ग्रुप 3-12 इयर्स के एज ग्रुप में, मोस्टली कॉमन रहता है लड़कियों में कंपेयर टू बॉयज से, और ये रह सकता है, ये प्रॉब्लम रह सकती है इवन वीक्स टू मंथ्स टू ईयर्स, मतलब काफ़ी लंबा चल सकता है। बट इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें होता क्या है कि बच्चे को थ्रू आउट द डे कुछ भी नहीं होता है, प्रॉब्लम कोई नहीं होता है, वो प्लेफुल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, बट शाम में अचानक से थोड़ा सा दर्द चालू होता है और ये वर्सन करता है अप टू मिडनाइट, जिसमें बच्चे एकदम से पैर में दर्द करने की कंप्लेंट करते हैं और फिर रोना भी चालू कर सकते हैं, इतना सीवियर पेन होता है। और इसमें पेरेंट्स काफ़ी डर जाते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि इसमें बिल्कुल आप डरे ना। तो कहाँ दर्द होता है? स्पेशली ये थाइज में दर्द होता है और बिहाइंड द नी काफ में दर्द होता है, दोनों पैरों में दर्द होता है और हाथों में भी दर्द हो सकता है, तो इसलिए वही एक कॉमन लोकेशन है। इसके साथ में कोई भी और सिम्टम्स नहीं होता है, जैसे फीवर नहीं होता है, बाकी और कोई खाना पीने का, बाकी दिन में बच्चा एकदम एक्टिव टकाटक रहता है, लेकिन रात में ये सब चीज़ें हो सकती, कभी भी हो सकता है, हफ्ते में 2-3 बार भी हो सकता है, महीने में 7-8 बार भी हो सकता है। वजह हैं ग्रोइंग पेन्स होने के, कॉजेज अभी तक के डिटेक्ट नहीं हुए हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि अननोन कॉजेज है। बट कुछ स्टडीज ऐसे बोलती हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर हाइपर एक्टिविटी, या हेरिडिटरी, यानी पेरेंट्स से भी आया हुआ हो सकता है, मतलब माँ बाप को या ग्रैंड मदर फादर को हुआ होगा, तभी भी उनको उनकी वजह से भी आया है, पास ऑन हो रहा है, या कोई ग्रोथ स्पर्ट की वजह से भी हो रहा है, जब भी आप ग्रोइंग होते हैं, बच्चे ग्रोइंग होते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, बट लेकिन ये अश्योरेंस नहीं है कि ये कॉजेस है। अब इसी वजह से इसका नाम, दूसरा नाम पड़ा है इडियोपैथिक नॉक्चुरल पेन। इडियोपैथिक का मतलब अननोन और नॉक्चुरल मतलब रात को, और पेन मतलब दर्द, रात को दर्द होता है लेकिन क्या वजह है किसी को पता नहीं। अब कैसे डायग्नोसिस किया जाए? तो इसका पर्टिकुलर कोई भी ऐसा टेस्ट या स्कैन वगैरह कुछ नहीं है जिसकी वजह से हम डायग्नोस करें, डॉक्टर से हम क्लिनिकली ही डायग्नोस करते हैं। अगर ये रात में ही हो रहा है दर्द और सबसाइड हो जा रहा है ट्रीटमेंट से, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। दिन में एक्टिव है, रात में ही दर्द हो रहा है और महीने के 5-6 बार होता है, तो हम इसमें एक्टिव नहीं इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम ये एडवाइस करते हैं, ट्रीटमेंट यही एडवाइस होती है कि मसाज करें कपूर के तेल से या फिर सरसों के तेल से, थोड़ा सा तेल लेना है, उसको गर्म करना है, उसमें कपूर पाउडर डाल देना है, उससे थोड़ा मसाज करेंगे तो सबसाइड हो जाता है। अगर उससे सबसाइड नहीं होता है तो हीटिंग पैड, इलेक्ट्रिक पैड जो गर्माइश थे उस पैरों का, ज़्यादा तेज पंखा ना चलाएं, एसी ना चलाएं, कम टेम्परेचर रखें, गर्म रखें रूम को, उससे भी बच्चे को कंबल पहना लें, बेडशीट के ऊपर कंबल पहना लें बच्चे के ऊपर, तो उससे भी बच्चे का दर्द कम हो जाता है। बहुत ही एक्सट्रीम पेन हो रहा है, बच्चा क्रैंकी हो रहा है, बहुत ही रो रहा है, ये करने के बावजूद भी रो रहा है, तो आपको ये पेन किलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे। मोस्टली आइबुप्रोफेन ही प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो वो भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझनी पड़ेगी, बट इन चीज़ों के बावजूद भी अगर बच्चे का पेन सबसाइड नहीं होता है तो आपको फिर इसमें अलर्ट रहना पड़ेगा। ये हो जाता है फिर रेड फ्लैग साइंस,
जो कि आपको डॉक्टर खुद ही बताएंगे कि इसमें आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स देखने पड़ेंगे कि फीवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चा लंगड़ा के तो नहीं चल रहा है, इसके अलावा कोई स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है जॉइंट पेन, तो ऐसे टाइम में अपने को अदर कॉजेज भी देखने पड़ेंगे। ग्रोइंग पेन नहीं होगा, फिर कुछ और कॉजेज होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जुवेनाइल अर्थराइटिस हो सकता है, लाइक बोन कैंसर हो सकते हैं, फाइब्रोमायल्जिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है, तो ऐसे में अपने को ब्लड टेस्ट और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और वो आपको डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट में मैं यही सब सजेस्ट करूंगा कि पेरेंट्स आप पैनिक ना हो, ग्रोइंग पेन्स कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो उम्र के हिसाब से सबसाइड हो जाएगा, बट मसाज करते रहो, इलेक्ट्रिक पैड से करते रहो और डॉक्टर्स को दिखाते रहो, जहाँ पे आपको कोई रेड फ्लैग साइंस दिखता है जैसे स्वेलिंग है या रेडनेस है या कुछ और सिम्टम्स दिखते हैं तब आप वहाँ पे अलर्ट हो जाइए और फिर उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आते रहेंगे। फॉरवर्ड करें आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, एंड एडवांस मैं हैप्पी दिवाली कहना चाहूँगा आप सभी को, और अपने अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, पटाखे फोड़ें बट संभल के फोड़ें, बच्चों का ख्याल रखें, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।